वाला बटन है उसमें भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपको ईद मुबारक। ईद मुबारक। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 8, तो अभी चलते हैं नमाज पे, नमाज से होके आते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। थैंक यू। तो फाइनली गाइस, नमाज वगैरह पढ़ ली है, रेडी होके अभी आए हैं घर पे। तो अभी बच्चों को उठाएंगे और चलेंगे, थोड़ा बच्चों को चक्कर वगैरह दिलाएंगे। हमारे साथ सोहेल जा रहा है, अनीस जा रहा है और छोटे बच्चे जा रहे हैं, तो उनको चक्कर वगैरह दिला के आते हैं। तो चलो चलते हैं। फाइनली निकल चुके हैं घर से, हमारे साथ बैठा है सोहेल और पीछे बच्चे और अनीस बैठा हुआ है। ये हमारे बदीन का शहबाज रोड आज पूरा बंद पड़ा है ईद के दिन। पहले यहाँ पे इतनी रश होती थी, पैर रखने की भी जगह नहीं मिलती थी, तो आज पूरा बंद पड़ा है, पूरी रश खत्म है। बहुत मजा आ रहा है गाड़ी चलाने में, तो इसके बारे में हम सोहेल से पूछेंगे। क्या हुआ? गाँव में कोई नहीं है ठाकुर साहब। क्या गाँव में कोई भी नहीं? जी हाँ, पूरा गाँव खाली है। कहाँ मर गए सब गांव वाले? तो गाइस, ये हमारा पाडा कुस रहा है और हम थोड़ी देर में आएंगे और इसके धनी बनेंगे। निकल लौड़े पहली फुर्सत। तो गाइस, हमारे दोस्त भी आ गए हैं, तो हम प्रोटोकॉल में जा रहे हैं दोस्तों के साथ घूमने फिरने। ये सामने हमारे दोस्तों की गाड़ियां हैं और हम घूम रहे हैं बस। तो गाइस, ये हमारा दूसरा पाडा कुस रहा है और हम दोस्तों के साथ प्रोटोकॉल में चल रहे हैं। अभी पहुंचे हैं पार्क पे और ये सोहेल बच्चों को लेके चल रहा है पार्क पे। तो बच्चों को लेके अभी चलो घुमाओ सोहेल जल्दी। तो गाइस, फाइनली हम लोग पार्क में एंटर हो चुके थे और पार्क का व्यू बहुत प्यारा आ रहा था, ग्रीनरी लगी हुई थी, तो गर्मी भी बहुत थी। तो अभी जल्दी से बच्चों को घुमाएंगे और यहाँ से भागेंगे। तो मैंने सोहेल को बोला, भाई अभी तुम लोग शशके मार सकते हो, तो क्या हम शशके नहीं मार सकते? तो मैं भी शशके मार रहा हूँ, मेरी भी वीडियो रिकॉर्ड करो। तो आए हाय हाय हाय, देख लो भाई देख लो, गर्मी में मैं भी भीगा पड़ा हूँ, लेकिन स्टाइल चेक करो मेरे। गर्मी बहुत है, बच्चों को थोड़ा घुमाएंगे फिर भागेंगे यहाँ से, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है यहाँ पे। चलो। तो यार, यहाँ पे एक अंकल बैठे हुए थे और अंकल बहुत प्यारी बांसुरी बजा रहे थे, सुनो। तो गाइस, हमें पार्क में चलते फिरते एक दूसरा सोहेल मिल गया था। तो सोहेल की गर्दन बहुत ऊपर है, मैं पूरा टेढ़ा हो गया था सोहेल को देखने के लिए। ये रहा सोहेल, आपका दूसरा सोहेल, डायनासोर नंबर 1। और ये ज़ारा खड़ी हुई है हमारे साथ। ज़ारा बोलिए मैं ऊपर नहीं चढ़ूंगी, डर रही है, और अनीस भी ऊपर नहीं चढ़ेगा। तो और ये आपका पहले वाला सोहेल। तो यार, पार्क में बच्चे बहुत आए हुए थे, बच्चे इंजॉय कर रहे थे, हमारे बच्चे भी इंजॉय कर रहे थे और हमारा पसीना बह रहा था। और ये हम दोनों भाई अनीस से फ़ोटो खिंचवा रहे थे, तो अनीस की वीडियो नहीं लगा पाए, इसमें हम दोनों भाई फ़ोटो खिंचवा रहे थे और पोज दे रहे थे मस्त मस्त वाले। सोहेल के बाल बिखरे हुए थे हवा में, तो हवा भी कम थी, गर्मी बहुत थी पार्क में, गर्मी बहुत है। तो अभी भाग रहे हैं हम लोग वापस घर की तरफ, बच्चों को बहुत गर्मी लग रही है और हमें भी लग रही है, इसीलिए तो भाग रहे हैं घर की तरफ। वैसे व्यू बहुत प्यारा आ रहा है आज का। तो यार, गर्मी बहुत थी और हम निकल आए पार्क से बाहर, तो ये सामने बिल्लो रानी खड़ी हुई है, अभी बैठते हैं इसमें और भागते हैं घर की तरफ। सर ईद मुबारक। सर गाइस, हमें मिला है जानदेव कसकेली। तो जानदेव, क्या हाल है? क्या हाल है? सागर जाए हैं यार, अल्लाह शुक्र। तो बताए, पार्क में इतनी हेवी गर्मी थी, इतनी हेवी गर्मी थी, इतनी हेवी थी, बता नहीं सकता कितनी हेवी थी। तो सोहेल से पूछो कितनी हेवी थी। ये देखो पसीना। तो बहुत गर्मी थी, इसलिए निकले वहां से, भागे हैं, अभी जा रहे हैं चाचू के घर, चाचू से ईद मिलेंगे, फिर जाएंगे, देखते हैं कहाँ का प्रोग्राम बनता है। तो अभी दोस्तों ने भी रापता नहीं किया, पता नहीं कहाँ है, कोई रापता करे फिर प्रोग्राम बने तो चले। जा रहे थे घर की तरफ, तो हमें कुछ दोस्त मिल गए हैं रास्ते में। अभी हम बनाएंगे अब्दुल मुसव्वर की वीडियो। अस्सलाम वालेकुम सर जी। अब्दुल मुसव्वर द रॉक स्टार सिंगर।
एंड मिस्टर मोहम्मद अली सीबी, ये हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं। अच्छा जफर भाई, और जफर को मेहरबानी करें, सपोर्ट करें, ये हमारा दिल वाला दोस्त है। बहुत बड़ी मेहरबानी जफर भाई, मुझे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और उसको थूके मारें। अस्सलामुअलैकुम। तो भाई ये भी हमारा प्यारा दोस्त है और ये है हसनैन भाई। तो यार यहाँ पे दोस्तों ने बोला एक सिनेमैटिक वीडियो शूट करते हैं साथ में, तो मैंने ओके बोल दिया, मैंने बोला चलो बनाते हैं। तो अभी एक दोस्त हमारे सिनेमैटिक निकाल रहा है ये। गाइस अभी मोहम्मद अली कमरानी हमें एक सॉन्ग सुनाएंगे, हमारे प्यारे दोस्त। क्या सॉन्ग सुनाएंगे आप हमें? सिंध में रहने वाले सिंधी। तो भाई सुनाइए, अभी सुनिए। हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाजे सारे, हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाजे सारे, दिल से तुझको दावत है कभी आओ पास हमारे, जरूर आएंगे। दिल से तुझको दावत है कभी आओ पास हमारे, हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाजे सारे। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। तो यार भाई ने, भाई ने चलते फिरते टट्टी कर दी है, मजा आया। अभी दोस्तों से मिले थे, थोड़ी गपशप की, मजाक मस्ती की और फोटो शूट की है। अभी जा रहे हैं घर क्योंकि गर्मी बहुत हो गई है। अभी घर जाएंगे, दो मिनट रेस्ट करेंगे। तो यार ये सोहेल अभी तक फोटो शूट में लगा हुआ है, अभी आएगा तो निकलेंगे घर की तरफ। अभी घर से फ्रेश होके अभी जा रहा हूँ चाचू के घर और सोहेल को वापस साथ ले लिया है। चाचू वालों से ईद मिलेंगे। All the way from London, दिल की गहराइयों से आप सबको अस्सलाम। दोस्त है हाजी साले, हाजी साले से ईद मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम हाजी साले, क्या हाल है? ठीक हो? तो यार साले भाई क्या हाल है? ठीक हो? अल्लाह का करम लगा पड़ा है। ठीक है बिल्कुल। तो भाई से ईद मिले थे और भाई देखने आए थे हमारी बिल्लो रानी को। ये रही बिल्लो रानी। फिर फाइनली चाचू के घर पहुंचे हैं और ये सामने चाचू की गाड़ी खड़ी हुई है। तो अभी चाचू से, ये दिल्लो रानी है हमारी, बिल्लो रानी है, दिल्लो रानी। तो अभी जाएंगे चाचू के पास, चाचू से मिलके फिर आते हैं, आपसे मिलते हैं, क्योंकि चाचू की वीडियो बनाऊंगा तो जूते पड़ेंगे। तो गाइस हम चाचू के घर गए थे और चाचू गोश्त में लगा पड़ा था और थोड़ी देर गपशप की, परवेज भी बैठा था, फिर हम निकले वहाँ से चाचू के घर से। ओके फाइनल अभी जा रहे हैं हम लोग फुफो से ईद मिलने, तो ईद मिलेंगे उनसे और फिर भागेंगे घर क्योंकि गर्मी बहुत है। हालत देखो, पसीना पसीना हो गए और सोहेल को अभी भी मस्ती सूझ रही है। गाँव की गलियों में, शहर की रलियों में, सोहेल की कलियों में, अनी की छलियों में, घूमते फिरते लिंग छिकाणी किचकाणी किचकाणी किचकाणे रे रे रे। तो गाइस ये व्यू चेक करें, ये हमारे बदीन का व्यू है, ये हमारी कॉलोनी के आसपास के गांव, हमारी कॉलोनी के पास उसका व्यू है और गांव की गलियां हैं और बहुत मजा आ रहा है, बहुत एंजॉय हो रहा है हमारे साथ, गार्डन हो रहा है, बच्चे खड़े हुए हैं, ईद मना रहे हैं अपनों में और हम भी जा रहे हैं अपनों में, अपनों के सपनों में। तो गाइस ये है हमारी कॉलोनी का आउटसाइड व्यू हमारी कॉलोनी और ये हमारी मस्जिद। फाइनली अभी घर पहुंचा हूं तो थोड़ा फ्रेश होता हूं, गर्मी बहुत थी, फ्रेश होके फिर चलते हैं फुप्पो के घर, काम वगैरह निपटा के अभी घर पहुंचा हूं और फुप्पो के घर से भी होके आया। तो अभी घर पहुंचा हूं तो अभी गोश्त वगैरह खाते हैं फिर सोते हैं। तो यार अभी हमारे सामने खाना लग चुका है, ये हमारा आज का खाना और खाएंगे फिर लपू चक्कर होके सो जाएंगे। तो गाइस ये हमारे घर आया है मेहमान अद्धा वडा और अद्धा वडा गाड़ी का टायर चेक कर रहा था। हमको सिखा रहा है ये अद्धा वडा और अद्धा वडा अपना सर्विस सेंटर चलाता है। आया है अद्धा नंडा मिनू खास के लिए। अस्सलाम वालेकुम मिनू साहब, क्या हाल है? ठीक साहब। यार मिनू खास के लिए हमसे गोश्त मांगने आया है तो अभी इसको गोश्त दिया है, गांव से आया है तो अभी जाएगा ये गांव वापस। तो सोहेल आपने इसको गोश्त दिया किस खुशी में?
अभी ये लोग जा रहे हैं गांव। हेलो गाइस, तो यार अभी नींद से उठा हूँ, दोपहर में आके खाना खा के सो गया था, अभी उठा हूँ नींद से। तो अभी कुछ दोस्तों से भी मिलना है, ईद नहीं मिले थे उनसे भी मिलना है, फोटोग्राफी करनी है, तो चलते हैं अभी दोस्तों के पास। तो गाइस घर से निकले थे, अभी आए हैं दोस्तों से मिलने। ये हमारे पास बैठा हुआ है हसन भाई, तो अभी जा रहे हैं फोटो शूट पे, तो कुछ फोटो निकालेंगे। यार फाइनली हम पहुंचे और अभी यहाँ पे फोटोग्राफी करेंगे, फोटोग्राफी करने के बाद निकलते हैं चाय पीने के। गाइस हमारी ड्रिफ्टिंग चल ही रही थी, इतने में बंदे आ गए और हमें भगाने लगे। गाइस अभी आपने हमारी ड्रिफ्टिंग देखी, तो हम बहुत ड्रिफ्टिंग करते हैं गाड़ी पे। और ये अयाज चांडियो बैठा हुआ है, अयाज यार सलाम कर लो। वो कह रहा है अयाज चांडियो भी बैठा हुआ है, तो हमने ड्रिफ्टिंग फाइनली हमने फोटोग्राफी कर ली है, ड्रिफ्टिंग कर ली है, तो अभी जा रहे हैं वापस चाय पीने होटल पे। तो यार ड्रिफ्टिंग के वक्त थोड़ी बहसबारी हो गई थी पंप वालों के साथ, जिनके पंप पे हमने ड्रिफ्टिंग की, तो वो थोड़े नाराज़ हो गए थे, इसीलिए हम लोग जल्दी निकल आए वहाँ से। यार ये यार का फेवरेट गाना था और यार इस पे बहुत मजे कर रहा था। हमारा इरादा था यहाँ पे बाईपास पे रुकने का, लेकिन बाईपास पे बहुत भीड़ जमा हुई थी, इसलिए हमने भीड़ में नहीं रुकना था, इसलिए हम लोग निकल गए यहाँ पे। अभी जा रहे हैं वापस घर की तरफ। यार हम बाईपास से गुजरे और आई लव बदीम की वीडियो ना बनाए ऐसा कभी हो नहीं सकता, ये हमारे बदीम की शान है, तो इसकी वीडियो भी बनानी लाजमी थी, इसलिए इसकी क्लिप भी निकाल दी छोटी सी। तो यार यहाँ पे दोस्तों का चाय से मूड चेंज होके कोल्ड ड्रिंक पे आ गया था, तो हमें कोल्ड ड्रिंक पीनी थी और भाई को जूस पीना था हसन भाई को, तो इस वाले के पास जा रहे हैं। चाय का मूड कैंसिल हो गया, तो अभी यहाँ पे पियेंगे कोल्ड ड्रिंक हसन के साथ। तो गाइस हमारी कोल्ड ड्रिंक आ चुकी थी और पीछे से अयाज रड़ियां कर रहा था, मुझे कोल्ड ड्रिंक दो, मुझे कोल्ड ड्रिंक दो। मैंने बोला भाई रुको वीडियो तो बनाने दो, और ये भाई भी मुंह डाल के खड़ा हुआ था पैसों के लिए, तो हमने पैसे नहीं दिए और भाई भाग गया। तो हसन यहाँ से बच्चों को डरा रहा है, अभी चलते हैं। तो गाइस अभी पहुंचे वापस और दोस्तों को उतारा है, अभी ड्राइविंग पे बैठा हूं, और हमारे साथ है मीर चांडियो और हमारी स्टिंग पी रहा है, और अयाज चांडियो उतरने का नाम नहीं ले रहा है एसी से। तो अभी बैठा हुआ हूं, इनको जबरदस्ती उतारूंगा फिर निकलूंगा घर की तरफ। तो यार फाइनली उन दोस्तों को जबरदस्ती गाड़ी से उतारा है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। उतर ही नहीं रहे थे, बोल रहे थे गर्मी है, एसी में बैठे हैं, जबरदस्ती उतारा है। तो अभी शाहिद भाई का वेट कर रहा हूँ, शाहिद भाई की गली में, तो शाहिद भाई आ जाए उससे मिल लें फिर निकलते हैं। तो यार यहाँ पे हमें आधा घंटा हो गया था रोड पे खड़े खड़े शाहिद भाई का इंतजार करते हुए, लेकिन शाहिद भाई का कोई पता ही नहीं चल रहा था, पता नहीं कहाँ घूमता, तो काले में नहीं उठा रहा था। अभी ये फाइनली शाहिद आ गया आधा घंटा वेट करने के बाद, तो अभी मिलते हैं शाहिद भाई से और फिर चलते हैं कहीं पे। अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई, मरकूम क्या लड़की को, अल्लाह का शुक्र है तो सुना, अल्लाह का करम लगा। बहुत खाया है, नहीं खाया है? बहुत खाया, बहुत खाया। अभी चले, अभी चलो भाई निकलते हैं। तो यार यहाँ पे शनवारी टू बनी थी और हम आए थे यहाँ पे चाय पीने में और शाहिद भाई, लेकिन हमारी किस्मत देखो होटल बंद थी, वापस जाना पड़ा। अभी पहुंचे हैं अत्तर के पास होटल पे, तो अभी चाय पियेंगे। ये स्टाक बैठा हुआ है और ये हमारा भाई बैठा हुआ है, तो ये देख ले आप अत्तर सीधी सीधी नहीं, अत्तर राजू है और ये चाय पी रहा है, मैं सलाह भी नहीं कर रहा। तो गए थे अभी होटल पे बैठे हुए हैं, रश बहुत है और चाय का इंतजार हो रहा है, शायद चाय का इंतजार कर रहा है यहाँ पे बैठा हुआ है, तो शायद उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? यार अभी तो गोश्त खा के आया हूँ, थोड़ा सुस्त लगा पड़ा। क्या बोला तूने? नहीं पहले क्या बोला? चल
चलो चलो जाके इलाज करो अपना। शायद की उर्दू सुनी, उर्दू की माँ बहन दोनों साथ में मिला के बोलता है, तो हमने बात की। अभी अतर बताएगा हमें कि चाय कैसी थी। अतर यार बताओ यार, कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? क्या बताएगा भैया, मैं क्या बताऊँ, मैं तो अभी पी के बैठा हूँ मदरसा। यार ये लोग चाय पी के बैठे हुए और हमारा चाय का इंतजार चल रहा है, तो पता नहीं कब आएगी चाय। और हम बैठे हुए हैं यहीं पे, और ये सामने होटल शहजाद की होटल, सिंध बार होटल। हाँ सिंध बार होटल, और यह अतर खिल रहा है। हमारे दोस्त के साथ सीन हो गया, वो सुपारी लेके आए और ये खाली निकली। ये सुपारी ऐसी है जैसे अतर है अंदर से, वैसे ही खाली है अतर की तरह। अतर का भेजा भी खाली है। तो गाइस चाय अभी तक नहीं आई थी, तो हमने गैरत में शहजाद को मंगा लिया। अभी शहजाद चाय कब मिलेगी? मिल रही है, बस शहजाद बोल रहा है अभी चाय लेके आ रहा हूँ, तो हम पियेंगे और अतर को देख लो। तो चाय पी के हम यहाँ से निकलेंगे। फाइनली शहजाद को मिलते करने के बाद अभी हमारी चाय आई है, और अभी पियेंगे फिर भागेंगे घर। यार फाइनली चाय वगैरह पी के काम वगैरह निपटा के सब शाहिद भाई को घर छोड़ा अभी, तो अभी आया हूँ मैं घर पे। तो व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब लाजमी करना। और कल का व्लॉग आपके लिए स्पेशल आएगा इंशाल्लाह, कल का व्लॉग लाजमी देखना। थैंक यू। गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे